ओ भाई ना दिख रहे हैं शोल्डर। यहाँ पे ये घिया की सब्जी है और थोड़े से आलू भी है इसमें। ये सात सोया रोटी। तो स्वागत है मेरे भाई आपका एक फुल डे ऑफ ईटिंग वीडियो में, जो कि मैं लीन बल्क पे भी जो डाइट फॉलो कर रहा हूँ वो दिखाऊंगा आपको। आप इस डाइट में ये अपने मतलब आपके जो टोटल कैलोरी इनटेक है वो अपने आप हिसाब से सेट कर लेना, बट जो मेरा पूरा खाना है पूरे दिन का वो मैं दिखाऊंगा। फर्स्ट और बहुत छोटी सी ड्रिंक, प्रोटीन ड्रिंक, हाफ स्कूप वे मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। बस इसीलिए मैं मतलब उठते ही सबसे पहले ये प्रोटीन पी लेता हूँ। अब आप इसको दूध में डाल के पी सकते हो चाहो तो, बट पानी में डाल के पियो क्योंकि थोड़ी डाइजेशन में दिक्कत हो सकती है सुबह सुबह दूध पियोगे तो। ये डाल दिया इसमें और यही हमारी फर्स्ट ड्रिंक। ग्लूकोज की बॉटल में डाल के मिला रहा हूँ, बताओ। इसको जल्दी से मिलाते हैं और पी लेते हैं। तो ये हुई हमारी छोटी सी ड्रिंक। अभी फर्स्ट मील करेंगे तो वो दिखाऊंगा। लीन बल्क पे हूँ, बहुत ज़्यादा फैट नहीं आएगा। दिसंबर तक खींचना ये बल्क है, हमने उसके बाद कट करेंगे जनवरी से। मज़ा आ जाएगा सच में, इस कट में बहुत मज़ा आएगा भाई। मतलब क्या बॉडी दिखेगी मैं तो वो सोच रहा हूँ। मजा आ गया। और एक चीज एडवाइस करता हूँ मैं कि अगर आप जब सुबह उठते हो ना, बाथरूम वाथरूम जाने से पहले ट्राई करो करो कि 1 लीटर पानी पी लो, क्योंकि फिर जो भी आपके अंदर है मतलब जो भी वेस्ट निकलना है वो ठीक से निकल पाएगा। अब वो ज़रूरी है, आराम आराम से पीना 1 लीटर पानी थोड़ा थोड़ा करके। मतलब इतना नहीं कि 1-2 घंटे में पी रहे हो एक बार फिर थोड़ी देर में, ऐसे नहीं। मतलब थोड़ा ऐसे रेस्ट ले लेके पीते जाओ, ख़त्म कर लो 1 लीटर पानी मतलब एक बार में। सिप ले लेके पियो और फिर जाओ बाथरूम, ताकि पेट ठीक से साफ हो, आपका जो मोशन अच्छे से हो। बस पीते हैं इसको, बहुत टेस्टी है यार ये प्रोटीन। तो मैं बताऊंगा नहीं कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, अब तो स्पॉन्सर्स लेने के बाद ही बताएंगे। स्पॉन्सर भी उसी का लेने वाला हूँ जो यूज़ कर रहा हूँ, जो प्रोटीन बहुत सालों से। मतलब मैं नहीं लेने वाला, वो देंगे। तो यार ये पीता हूँ मैं और फिर अभी मिलता हूँ फर्स्ट मील में। पूरा अच्छे से दिखाऊंगा फुल डे ऑफ ईटिंग, सारे मैक्रोस, कितना प्रोटीन है, कितने कार्ब्स हैं, कितने फैट्स हैं, वो सब दिखाऊंगा। अभी ये पीता हूँ और मिलता हूँ आपको थोड़ी सी देर में। आपको तो 1 सेकेंड बाद ही मिलूंगा, मेरे लिए थोड़ी सी देर है अभी। मिलता हूँ थोड़ी देर में, बाय। ओके भाई, तो ये है अपनी फर्स्ट मील। वो तो बस ड्रिंक थी एक छोटी सी। तो ये है अपनी फर्स्ट मील, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। इस तो राजमा है ये 40 ग्राम, ऊपर नीचे यहाँ पे चावल है 350 ग्राम कुक्ड, 350 ग्राम राजमा का रॉ वेट बताया। दाल यहाँ पे रॉ वेट 30 ग्राम, अरहर की दाल है ये। और यहाँ पे थोड़ी सी दिख रही है क्या कोई, यार ऐसा ना हो कि दिख नहीं रहा हो कुछ। यहाँ पे देखो इधर थोड़ी सी वो है आलू की भुजिया और यहाँ पे भिंडी की भुजिया। तो ये सब है टोटल। और दही मैंने खाना छोड़ दिया है, दही थोड़ी गर्म होती है तो उसकी वजह से थोड़े पिंपल्स होने लग गए थे मेरे को, तो मैंने खाना छोड़ दिया। और यहाँ पे अभी भी एक दिख रहा है क्या, शायद हट गया अब, यहाँ पे भी हो गया था एक, इसीलिए मैंने खाना छोड़ दिया, दूध ही पीता हूँ अब। तो ये थी अपनी फर्स्ट रियल तगड़ी मील। इसको खा के मैं जिम जाता हूँ, अभी खाऊंगा फिर 1.5 घंटे बाद जिम। ये थी अपनी मील, मस्त मैक्रोस दिख रहे होंगे आपको, प्रोटीन भी ठीक ठाक ही है, बहुत सारा कार्ब्स फाइबर्स भी हैं। और हाँ खीरा भी है इसके साथ, वो भी लेके आऊँगा, एक पूरा खीरा भी होगा इसके साथ, तो वो भी जोड़ लेना। ये थी अपनी पूरी मील फर्स्ट। अब मिलते हैं सेकेंड मील में, वो भी बहुत मस्त है, बट वो पोस्ट वर्कआउट मील, हाई प्रोटीन मिल्क है, मिल्क है मील है। मिलते हैं वर्कआउट के बाद। अच्छा आज तो वैसे चेस्ट डे है यार,
मैं सोच रहा था वैसे कि वर्कआउट भी डालूं बीच में, बट फिर तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। देखूंगा अगर लंबी नहीं हुई तो ठीक है, वरना डाल दूंगा। अभी पहले खाते हैं इसको और चलते हैं, फिर जिम जाएंगे। अगर वीडियो वर्कआउट वाली डाल के हो गया कि 40 मिनट से ऊपर नहीं गई तब डाल दूंगा, वरना वो अलग डालूंगा और ये अलग डालूंगा। मिलते हैं जिम में और आके फिर दिखाता हूँ अपनी अगली मील। तो भाई जिम जाने का टाइम हो गया है और ये अपना प्री वर्कआउट ड्रिंक पिंक सॉल्ट ले रहे हैं हम थोड़ा सा। बस हो गया अपना, लेट्स गो। तो करो शेक। ये बोतल यार मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि पता नहीं वो मेरी बोतल कहाँ गई, शेकर था एक, मिल नहीं रहा है, जिम में छूट गया हो। तो ये पीते हैं। मिलते हैं सीधा जिम में। जिम में मिलते हैं। तो यार बस हम लास्ट के सेट्स लेंगे क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये जब मैं फुल स्टैक मारूंगा तब दिखाऊंगा। अभी पहले अपने दो सेट लेता हूँ, एक वार्म अप भी होगा, पर मैं लास्ट सेट दिखाऊंगा वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि फुल डे ऑफ ईटिंग भी लेना है ना। सारे एक्सरसाइज की, तीन एक्सरसाइज है, तीनों के लास्ट सेट और पोजिंग दिखा दूंगा। अभी मैं मारता हूँ, लास्ट सेट दिखाता हूँ आप। ओके यार, तो ये लास्ट सेट है, 96 केजी फुल स्टैक, विल गो फॉर 7 रेप्स, देखते हैं। Let's go. आठ लेंगे, आठ। साथ ही आया यार, आठ नहीं आए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के पास, नेक्स्ट एक्सरसाइज, लेट्स गो। ठीक है भाई, लास्ट सेट ले रहे हैं, मतलब इसको Let's go. भाई दिख रहे हैं शोल्डर, कुछ करे भी नहीं, चेस्ट। जाओ जाओ भाई जाओ, ऐसे हाथ रख के मत जा, बस वीडियो में दिख रहा होगा ना। तो भाई को टॉयलेट जाने दो, स्टार्ट करते हैं अपना पोजिंग। शोल्डर वैसे ही इतने तगड़े दिख रहे हैं यार, ट्रेन चेस्ट करिए। माइक ऑफ करूं यार पहले।
ओके गाइस, वी आर बैक फ्रॉम जिम और बस अपना पोस्ट वर्कआउट मील दिखाता हूँ आपको। ये है 70 ग्राम ओट्स, 2 केले, ड्राई फ्रूट्स ख़त्म हो गए हैं तो सीड्स हैं बहुत सारे, और पीनट बटर थोड़ा ज़्यादा खा लूँगा मैं फैट्स पूरे करने के लिए, वरना यहाँ पे 15 ग्राम ड्राई फ्रूट होता है अखरोट वखरोट मिला के सब कुछ। तो मैं वो आपको वही दिखाऊंगा जो होता था ये मील, 15 ग्राम अखरोट मतलब 15 ग्राम वो काजू अखरोट सब कुछ मिला के बादाम, 15 ग्राम टोटल होता था। बट अभी यहाँ पे है नहीं तो ये सीड्स ले लिए मैंने बहुत सारी, ये खाते हैं। तो इसमें आपके मैक्रोस दिखे होंगे आपको सारे कैलोरीज मैक्रोस क्या क्या इसमें। भूख लगी है यार बताऊँ तो, बहुत खाने का मन कर रहा है अभी। तो केले 2 आ जाएंगे, ओट्स है, वे प्रोटीन डाला हुआ है इसमें 1 स्कूप, और सीड्स हैं बहुत सारे। सीड्स की जगह यहाँ पे अखरोट बादाम और वो होना था बट नहीं है, कोई बात नहीं। पीनट बटर ज़्यादा खाएंगे हम, अगली मील जो होगी उसमें दिखाऊंगा। तो बस यही थी अपनी पोस्ट वर्कआउट मील और खाता हूँ इसको मैं, मिलता हूँ अगली मील में। भूख बहुत तेज़ लगी है, वर्कआउट मस्त हुआ था, बताओ पंप कैसा लगा। खाते हैं और मिलता हूँ अगली मील में। ओके भाइयों, तो ये है अपनी नेक्स्ट मील और ये राइस केक और पीनट बटर है। तो ये चारों मैं नहीं खाने वाला हूँ, एक पापा के लिए और एक मेरे लिए। ये वाला मेरे लिए जिसमें ज़्यादा पीनट बटर है इसमें, क्योंकि वो ये ड्राई फ्रूट्स नहीं खा पाया था इसीलिए। तो ये है अपनी अगली मील, मैक्रोस के अलग सब दिख ही रहे होंगे आपको। तो ये खाते हैं और काफ़ी टेस्टी लगता है वैसे यार ये राइस केक के साथ, टेस्टी बहुत लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप ये खाओ, मैं कभी कभी मंगाता हूँ, मैं भी हमेशा नहीं खाता। कोई और काब का सोर्स खा सकते हो आप, ये बस ड्राई काब है और कुछ नहीं है, और मैं भी वो बस टेस्ट के लिए खा रहा हूँ ये, ऐसे कोई कुछ अच्छा नहीं हो जाएगा इससे आपको। तो वैसे जो भी काब खाता है आप उसमें क्वान्टिटी बढ़ा सकते हो, बट मैं ये खाता हूँ टेस्ट के लिए, क्योंकि टेस्ट मिलता नहीं है ज़्यादा चीज़ों में मेरे को, तो इसलिए मैं ज़्यादा मेहनत वाली डाइट बनाता नहीं। बनाने को आप अच्छे से बनाओ तो टेस्टी भी बना सकते हो हर चीज़, बट उतना टाइम नहीं होता भाई। तो ये खाता हूँ और मैक्रोस दिख रहे होंगे और मिलता हूँ आप डिनर में सीधा। डिनर भी हमारा थोड़ा हैवी होता है हमेशा, क्योंकि मुझे दोपहर में और रात को खाना पसंद है। जो फर्स्ट रियल मील थी हमारी वो भी हैवी थी, और जो लास्ट मील है डिनर वो भी हैवी होगी, बचपन से आदत है क्योंकि इन दोनों टाइम पे ज़्यादा खाने की। तो मिलता हूँ अगले मील में जो कि डिनर है। तो मेरे भाइयों, ये अपनी लास्ट मील, यहाँ पे ये घिया की सब्ज़ी है और थोड़े से आलू भी है इसमें। ये 7 रोटी है, ये सोया डाला हुआ है, टोटल 70 ग्राम सोया ये 7 रोटी में। तो मैं ये पूरा सोया रोटी में ही खा लेता हूँ अब रात को, अलग से सोया खाने क्योंकि मन नहीं करता, टेस्टी नहीं लगता है। और ये पनीर है, कितना है, 100 ग्राम पनीर है, यहाँ दिख रहा होगा। और ये सब खा के फिर 350 ml दूध पियेंगे हम। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे बनाना है ये रोटी, तो सोया ग्रैन्यूल्स जो होते हैं उसको उबालो, पानी उसमें से निकाल लो पूरा जो भी होता है। उसके बाद आटा जो होता है, आप जिस आटे में आपकी मम्मी या आप जो भी बनाते हो, आटे में वो सोया को सान लो उसमें मिला के, उसके बाद रोटी बनाओ मस्त ऐसी, देखो ऐसी रोटी बनेगी एकदम मस्त। तो ठीक है ना भाई, यही रोटी खानी है, यही खाना खाना है। मैक्रोस कैलरी सब दिख रही होगी आपको, अब मैं भी खाता हूँ और करते हैं इस ब्लॉग को ख़त्म। तो बॉडी इसी खाने से बनती है, वेजिटेरियन होके बहुत मस्त, बहुत तगड़ी स्ट्रेंथ भी बहुत होगी, ऐसी बॉडी बनती है। ऐसा जिम में कोई स्टेशन है जहाँ पर मैं फुल स्टैक नहीं मारता, और वो भी 1-2 रैप के लिए नहीं, कम से कम 7 रैप हर स्टेशन पे मार लेता हूँ फुल स्टैक। डेडलिफ्ट पे कभी भी नहीं करता मैं, फिर भी 170 kg स्मूथली 3 रैप मार लेता हूँ, समझे। तो आराम से आप कर सकते हो, ऐसा नहीं कि वेजिटेरियन डाइट से स्ट्रेंथ नहीं बढ़ेगी आपकी, वीडियो नहीं मतलब स्टेमिना नहीं बढ़ेगा या आपकी बॉडी तगड़ी नहीं बनेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यही है अपना भाई, रोटी, घिया की सब्ज़ी, ये पनीर और ये दूध। घर में जो भी सब्ज़ी बनती है खाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़रूरी है खाना। बस कट के टाइम पे मैं कट कर देता हूँ घर में जो भी सब्ज़ी बनती है, क्योंकि उस टाइम पूरा काउंटेड होता है हर चीज़।
मैं कोई सब्ज़ी खा भी रहा हूँ तो वो पूरी काउंटेड है। और कट के टाइम पर मैं पानी में ही बनाता हूँ सब्ज़ी भी, पानी में ही बन जाती है सब्ज़ी। मैं जब कट करूँगा तब दिखाऊँगा। बाकी खाता हूँ इसको मैं और ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। बहुत एफर्ट लगा के बनाई, आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ आया होगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, गुड बाय।